आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ साल 2016 में आई एक साउथ कोरियाई हॉरर मूवी। दोस्तों, अगर इन शॉर्ट में इस मूवी के बारे में बात की जाए तो ये मूवी एक सिंपल से आदमी की लाइफ पर है जो कि डेली अपनी रूटीन जॉब करता है, मगर एक दिन उसकी फैमिली को कुछ बुरी शक्तियाँ अपने कब्जे में ले लेती है और इस मुसीबत से बचाने के लिए एक एंजल सोल उस आदमी की सहायता के लिए सामने आती है, मगर वो आदमी आखिर में इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो गलत साइड को चूज कर लेता है जिसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। तो बिना कुछ ज्यादा रिवील किए चलते हैं स्टोरी की तरफ। मूवी शुरू होती है और हम जोंग नाम के एक पुलिसमैन को देखते हैं जिसे अर्ली मॉर्निंग ही पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि उसके एरिया में किसी का मर्डर हो गया है और तब जोंग सुबह जल्दी ही रेडी होकर क्राइम लोकेशन पर जाता है। जोंग क्राइम लोकेशन पर पहुंचता है और देखता है कि वहां उस घर में रहने वाले हस्बैंड और वाइफ को किसी आदमी ने जान से मार दिया है। देखने में वो मर्डर किसी अलकोले की तरह लग रहा है और उसकी बॉडी पर सीवियर स्किन रेसेज भी है, साथ ही वो कुछ बोल भी नहीं रहा। इसके बाद हम टाउन में एक और इंसिडेंट को देखते हैं जिसमें एक पूरा घर जल जाता है और उसमें रहने वाली औरत अपने हस्बैंड और घर की एक बूढ़ी औरत का कत्ल करके खुद भी आत्महत्या कर लेती है, जो कि टाउन वालों के हिसाब से बहुत ही स्ट्रेंज है क्योंकि वो कपल बहुत ही नॉर्मल थे और उनसे ऐसे किसी भी चीज की उम्मीद नहीं थी। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद दोनों ही केस में एक कॉमन चीज का पता चलता है, वो ये थी कि मरने वाले लोगों की बॉडी पर सीवियर स्किन रेसेज थे। और इसके अलावा टाउन में एक और स्टोरी चलन में है जिस पर कुछ लोग बिलीव करते हैं और कुछ लोग नहीं। दरअसल कुछ टाइम पहले ही जापानीज आदमी टाउन में आया है और वो वहाँ के एक जंगल में अकेले ही रहता है। टाउन वाले उसे जापानी को इविल मानते हैं क्योंकि उसके संपर्क में जो भी आता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। और टाउन में एक और स्टोरी है कि एक बार उस जापानी ने उस लेडी का रेप किया था जिसने अपने हस्बैंड का कत्ल किया है, क्योंकि रेप होने के बाद वो लेडी पागल हो गई थी। अब इन सब बातों से जोंग काफी प्रभावित होता है और हाल ही में वे इंसिडेंट से उसे भी विश्वास होने लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब खून खराबे के पीछे उस जापानी का ही हाथ है। अब ये जानने के लिए कि वो जापानीज जंगल में कहाँ रहता है, जोंग एक शिकारी के पास जाता है जिसने हाल ही में उस जापानी को देखा था। शिकारी जोंग को बताता है कि वो जापानी आदमी बहुत ही खतरनाक है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने उसे देखा था तब वो एक हिरण का कच्चा मांस खा रहा था और उसकी आंखें किसी डेविल की तरह लाल रंग की चमक रही थी। शिकारी कहता है कि उसे देखकर मैं बहुत डर गया और उस हादसे से मैं आज भी उबर नहीं पाया हूँ। अब जोंग कहता है कि मुझे उसका एड्रेस बताओ। तब शिकारी कहता है कि वो जंगल में रहता है। फिर जोंग और उसका पार्टनर सॉन्ग और साथ ही वे शिकारी सभी जंगल में जाते हैं ताकि शिकारी उन्हें जापानी के घर तक पहुंचा सके, मगर जब वो तीनों वहां पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी बीच रास्ते में बहुत ही तेज तूफानी बारिश आ जाती है और शिकारी डरने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यह कोई संकेत है और उन लोगों को वहां पर नहीं जाना चाहिए, जिसके बाद वे वापस भागने लगता है। मगर थोड़ी ही दूर जाते ही उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। जोंग और सॉन्ग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसका इलाज करवाते हैं। इस दौरान जोंग देखता है कि वो कातिल जिसने उन हस्बैंड और वाइफ का कत्ल किया था वो बगल वाले रूम में एडमिट है और उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है और अब वह उसी टाइम बहुत ही दर्दनाक तरीके से अपना दम तोड़ देता है। यह सब देखकर जोंग और सॉन्ग का मूड खराब हो जाता है और उस रात वो दोनों दबा कर पीते हैं। फिर जब जोंग अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके बेटे की तबीयत काफी खराब है और उसे डरावने सपने आ रहे हैं। फिर अगली सुबह जब ह्योजिन उड़ती है तो उसके तौर तरीकों में काफी बदलाव आ चुका होता है और अब वो किसी शैतान की तरह बहुत ही ज्यादा खाना खाने लगती है। ये देखकर जोंग की सास कहती है कि मुझे यकीन है कि ह्योजिन के ऊपर किसी बुरे साये का असर है, इसलिए मैंने एक तांत्रिक से बात कर ली है और मैं जल्दी उसे बुलाने वाली हूँ। जोंग भी अपने मदर इन लॉ की बात से सहमत होता है और वो तांत्रिक को बुलाने के लिए राजी हो जाता है। अब क्योंकि बुरे इवेंट से जोंग की फैमिली तक भी पहुँच गए हैं इसलिए अब जोंग उस जापानी आदमी से मिलने का प्लान बनाता है और इसके लिए वो अपने साथ सॉन्ग और यांग को ले जाता है। यांग सॉन्ग का भतीजा है जो कि प्रिंस बनने की ट्रेनिंग पर है और उसे बेसिक जापानीज भी आती है। अब वो तीनों उस जंगल में घूमते हुए उस जापानीज के घर पहुंचते हैं और वहां पर वो लोग घर की तलाशी लेने लगते हैं क्योंकि उस टाइम वहां पर वो जापानी उस घर में मौजूद नहीं होता है। अब छानबीन के दौरान सॉन्ग को घर में एक कमरा मिलता है जिसमें उन सभी लोगों के फोटो है जो कि टाउन में मर चुके हैं और रूम के डेकोरेशन को देखकर लग रहा था कि वहां
से शैतान की पूजा की जाती है। ये सब देखकर सोंग शॉक हो जाता है और जब तक वो कुछ बोल पाता वहाँ पर वो जापानी आ जाता है और तब जोंग उसे कुछ पूछताछ करके वापस अपने टाउन की ओर निकल जाता है। टाउन की तरफ आते वक्त सोंग एकदम चुप होकर कार में बस बैठा ही रहता है और तब जोंग पूछता है कि अब तुम्हें क्या हो गया। अब यहाँ सोंग सारी बात जोंग को बताता है जो कि उसने वहाँ पर देखा और साथ में सोंग जोंग को एक जूता भी दिखाता है जिस पर उसकी बेटी ह्यूजिन के साइन होते हैं। अब ये देखते ही जोंग का दिमाग घूम जाता है और वो सबसे पहले अपनी बेटी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी सूझ कहीं पर खो गए हैं या फिर क्या कभी तुम किसी जापानीज आदमी से मिली थी। अब ह्यूजिन जोंग को कुछ भी नहीं बताती है और बार बार कहती है कि ये बात इतनी जरूरी क्यों है। फिर जवाब ना देने पर जोंग ह्यूजिन पर दबाव डालता है। तब ह्यूजिन जोंग पर चिल्लाने लगती है जैसे कि वो अपने बाप से बेटी का रिश्ता भूल गई हो। अब ह्यूजिन के इस व्यवहार को देखकर जोंग को यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ उस जापानी आदमी का किया धरा है। अब क्योंकि ह्यूजिन अपने डैड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उसने पहले कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जोंग गुस्से में फिर से उस आदमी के पास जाता है और अपने साथ योंग को ले जाता है ताकि वो अपनी बात का ट्रांसलेट करवा सके। इस बार जोंग वहाँ जाकर जापानीज आदमी से बहुत ही रूढ़ तरीके से बात करता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर उसने जल्दी अपने बोरिया बिस्तर को यहाँ से नहीं समेटा तो वो उसे मार देगा। अब जापानीज जोंग की बात को बस सुनता ही रहता है और कोई भी रिएक्शन नहीं देता और इस बातचीत के दौरान उस जापानीज का डॉग जोंग पर अटैक कर देता है जिसे जोंग एक कुल्हाड़ी से जान से मार देता है और उस जापानीज से कहता है कि अगर मेरे टाउन में होने वाले हादसे नहीं रुके तो मैं इस कुत्ते की तरह तुम्हारा भी हाल कर दूंगा। ये कहकर जोंग और योंग वहाँ से चले जाते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जब जोंग उड़ता है तो उसकी बॉडी में कुछ क्रैम्प्स आ जाते हैं और उसकी बॉडी अकड़ जाती है जिसके चलते वो खड़ा नहीं हो पाता। अब उसकी फैमिली के लोग उसे जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और ह्यूजिन को वो लोग पड़ोसी के यहाँ छोड़ देते हैं। मगर ये बात जब जोंग को पता चलती है तो वो जल्दी से हॉस्पिटल से घर आता है क्योंकि कहीं ना कहीं जोंग को मालूम है कि उसकी बेटी अभी भी अपने आपे में नहीं है और वो कुछ भी कर सकती है और ऐसा ही होता भी है। घर आने पर वो सब देखते हैं कि ह्यूजिन के हाथों में एक कैंची है जिसकी मदद से उसने अपने पड़ोसी को मार दिया है। फैमिली के लोग जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाते हैं और उस लड़की को हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। मगर फिलहाल पुलिस ह्यूजिन को अरेस्ट नहीं करती क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं कि उसका कत्ल उसकी माँ ने किया है क्योंकि इस तरह का अटैक एक बच्ची कभी भी नहीं कर पाएगी। और अब क्योंकि जोंग भी एक पुलिस वाला है तो इसका उसे फायदा मिलता है। फिर हम देखते हैं कि एक तांत्रिक जोंग के घर पर आकर पूजा करता है और वो अपनी पूजा से उसे जापानी आदमी पर जानलेवा अटैक करना चाहता है। मगर जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि उस जापानी आदमी के साथ साथ ह्यूजिन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है और आखिर में ह्यूजिन का पूरा बदन अकड़ जाता है और ऐसा लगता है कि अब वो मर जाएगी। मगर आखिरी वक्त पर गुस्से में आकर जोंग पूजा को रुकवा देता है और तांत्रिक समेत सभी लोगों को धमकी देता है कि वो लोग उसके घर से चले जाएं। यहाँ हम देखते हैं कि अगर जोंग ने तांत्रिक को नहीं रोका होता तो शायद तांत्रिक जापानी को मारने में कामयाब हो जाता। मगर इस सीन का दूसरा पहलू यह भी है कि इस पूजा में शायद ह्यूजिन की भी जान चली जाती, इसलिए जोंग ने अपनी बेटी को बचाने के लिए इस पूजा को रुकवा दिया। अब जोंग अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और उन्हें मनाता है कि उन सभी लोगों को मिलकर उस जापानी आदमी को जान से मारना होगा वरना ये हादसे इस टाउन में कभी भी नहीं खत्म होने वाले। फिर वो सब लोग अपने साथ कुछ हथियार ले लेते हैं और जंगल में चले जाते हैं ताकि वो उस जापानी आदमी को मार सकें। वहाँ जाने पर वो देखते हैं कि घर में कोई नहीं है। तभी कुछ देर बाद वहाँ एक जोंबी जैसा आदमी आता है। ये एक मरा हुआ आदमी है जिसे उस जापानी ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से जिंदा किया है और जैसे ही वो जोंबी इन सभी लोगों पर अटैक करता है तो वो सभी मिलकर उसे जान से मार देते हैं और साथ ही में वो लोग उस जापानी आदमी को झाड़ियों में देख लेते हैं जो कि छुपकर उन सबको देख रहा था। फिर जोंग और उसके साथी उसे मारने के लिए दौड़ते हैं और जंगल में भागने के दौरान वो सभी लोग काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। मगर वो अब भी उसे जापानी को नहीं पकड़ पाते और जापानी कहीं जंगल में छुप जाता है। अब निराश होने के बाद जोंग अपने साथियों के साथ वहाँ से निकलता है और अपने टाउन जाने लगता है। मगर जोंग के ड्राइव करते वक्त पहाड़ी से वो जापानी आदमी सीधा जोंग की कार के आगे गिरता है और जोंग उसे बहुत ही तेजी से ठोक देता है। अब यहाँ हम उस एंजल लेडी को देखते हैं जो कि जोंग की हेल्प करना चाहती है और असल में उसी ने जापानी को कार के आगे फेंका होता है ताकि जोंग अपने मकसद को अंजाम
अंजाम दे सकें। फिर हम देखते हैं कि जोंग अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और देखता है कि आसपास कोई भी गवाह नहीं है, इसलिए वो सब जल्दी से मिलकर उस जापानी को पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं और ये सोच कर कि वो मर चुका है। मगर यह उनकी बहुत बड़ी भूल होती है क्योंकि सबूत मिटाने के चक्कर में वो उस जापानी आदमी की सांसों को ढंग से चेक नहीं कर पाते हैं और उसे जिंदा ही नीचे फेंक देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ बात करने के लिए वो तांत्रिक जिसने जोंग के घर में पूजा करवाई थी वो जोंग से मिलने आता है, मगर उस तांत्रिक को जोंग के घर के बाहर वही एंजल सोल मिल जाती है और तांत्रिक जैसे ही उसे देखता है तो वो खून की उल्टियां करने लगता है। तब एंजल सोल तांत्रिक को धमकाती है कि वो यहाँ से निकल जाए। फिर हम देखते हैं कि वो तांत्रिक वहाँ से भाग जाता है, मगर वो जोंग को कॉल करके ये कह देता है कि असली शैतान एक लेडी है जो कि व्हाइट ड्रेस में है, ना कि वो जापानी। अब ये बात उस तांत्रिक ने क्या सोचकर कही और उसे ऐसा क्यों लगा, इसकी ज्यादा डिटेल मूवी में नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि ह्यूजिन घर से गायब हो जाती है और जोंग उसे रात में हर तरफ ढूंढने लगता है, मगर वो कहीं भी नहीं मिलती। तभी एक जगह पर जोंग को अंदर में वो एंजल लेडी मिलती है जो कि उसकी फैमिली को बचाना चाहती है और वो जोंग से कहती है कि मैंने एक जाल बिछाया है ताकि वो उस शैतान को पकड़ सके, मगर इस जाल की सफलता के लिए तुम्हें अपने घर तब तक नहीं जाना है जब तक मुर्गा 3 बार चिल्ला नहीं देता। मगर तांत्रिक की बातों में आकर जोंग उस पर विश्वास नहीं करता है और अपने घर चला जाता है, जिसका अंजाम यह होता है कि ह्यूजिन अपनी माँ और ग्रैंड माँ को जान से मार देती है और शैतान अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम योंग को देखते हैं जो कि रात में ही उस जापानी के असली रूप का पता लगाने जाता है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि जापानी किसी शैतान की पूजा कर रहा है और देखते ही वो एक शैतान का रूप ले लेते हैं जो कि बहुत ही डरावना होता है। और दोस्तों इसके बाद हम जोंग को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के हसीन लम्हों को याद करते करते मर जाता है और इसी सैड एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।